everyone, welcome or welcome back to my channel. So today's video is about how to manage half yearly or your school exams along with NEET. So I know ki jitne bhi students appear honge in NEET 2023 usme se about 3/4 tumhare droppers hote hain, but 1/4 are the one jinko saath mein 12th bhi dena hai aur NEET bhi dena hai aur unka bhi target hai ki unko bhi NEET mein excel karna hai. तो उन्हीं में से मैं भी थी एक. सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे मैनेज किया अपने स्कूल एग्ज़ाम्स को अलॉन्ग विथ नीट. बिकॉज हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए और मेरी प्रायोरिटी थी नीट, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया था. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दैट वुड नॉट हैम्पर योर स्कूल एग्ज़ाम्स ऑल्सो. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके स्कूल एग्ज़ाम पर, आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो. So, मैंने साइड में यहाँ पे अटैच किया हुआ है इस पेज को, विच आई हैव मेड विद फुल एफर्ट्स एंड आई एम कैरिंग इट राइट नाउ. इसमें मैंने सारी स्ट्रैटेजी के जितने भी पॉइंट्स मैं लिख सकती थी, मैंने एक 15-day प्लान दिया है जो आपको अपने स्कूल एग्जाम्स को मैनेज करने में बहुत हेल्प करने वाला है. सो ध्यान से सुनना है कि एक पॉइंट को. सबसे पहले हमारा ये पॉइंट होना चाहिए कि हमें हर चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करके करना है. सबसे पहला पॉइंट यही है. उसमें मैंने डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका जो भी फिफ्थ सब्जेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो फिज़िक्स में हमारे पास दो टाइप्स की चीज़ें आ सकती हैं एज क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्ज़ाम, जबकि नीट में आपको एक ही चीज़ पूछी जाएगी, दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग आएगी उसमें, जिसमें आपके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं. लेकिन स्कूल एग्ज़ाम में डेरिवेशंस भी पूछी जाती हैं, तो उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है. सो डेरिवेशंस को आपको एक सेपरेट टाइम देना होगा, आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है आपके दिन में कि इस टाइम पर लास्ट 15 days बिफोर एग्ज़ाम इस टाइम पर आप रोज़ 45 minutes डेरिवेशंस कर रहे हो, ताकि वो आपके माइंड में एकदम बैठ जाए और आपको फिर उस टाइम पे स्ट्रेस ना हो जब आपका एग्ज़ाम आ चुका हो. ठीक है, इससे आपकी डेरिवेशन वाली जो जितनी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो सारी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें, दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग, जो नीट में भी आएगी और स्कूल एग्ज़ाम में भी आएगी. उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व योर स्टडी पैकेज, या फिर जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं, इट कैन बी DC पांडे और जो भी बुक आपने ली है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उसी को आपको सॉल्व करनी है. ठीक है, उसके अलावा उसको आप एक बार करेंगे तो चलेगा. सॉल्व PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट. नीट के PYQs आपको 2 सॉल्व कर लेने हैं इन द लास्ट 15 days बिफोर योर स्कूल एग्जाम्स. उससे आपकी दोनों तरफ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. थर्ड पॉइंट इज रीड PTP. अब ये PTP क्या है? PTP स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो हमारी NCERT के लास्ट पेजेस में दिया होता है. उससे आपके जितने भी स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो रेयर ही आएगा, स्कूल में नहीं आता बेसिकली, नीट में आता है, लेकिन तो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. और समरी एक बार पढ़ लेना, जिससे आपको लगेगा कि आपने NCERT को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया, मतलब NCERT का निचोड़ होता है समरी में, तो वो एक बार रीड कर लेना. और आपके पास 15 days हैं और सिर्फ 7-8 chapters होते हैं, तो आप आराम से कर लोगे. बस आपका ये होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है. द सेकेंड सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को अब आपको कैसे टाइम डिवाइड करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है. केमिस्ट्री में हमारे 3 parts हो जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको PYQ सॉल्व करने हैं. जितनी भी NCERT में टेबल्स दे रखे हैं, लाइक सॉलिड स्टेट में एक टेबल है जिसमें ब्रेविस लैटिसेस के बारे में सारा दिया हुआ है, वो टेबल सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी एक टेबल दी हुई है. तो जितनी भी NCERT में जो टेबल्स होती हैं, उससे क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है. आपको टेस्ट सीरीज़ में भी भर भर के क्वेश्चन इन टेबल्स से दिखेंगे, तो इन टेबल्स को आप बहुत थॉरली कर लो. ये स्कूल के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं. ओके, लेट्स कम ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनमें सिर्फ आपको NCERT पढ़नी है और PYQs लगाने हैं. इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप फिंगर टिप्स कर सकते हो. बहुत अच्छी बुक है केमिस्ट्री की, फिंगर टिप्स जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी है. उसमें आप जो भी NCERT में पढ़ोगे वही एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है और बहुत थॉरली आपका NCERT का रिविजन भी हो जाता है. सो दिस इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट. और एक चीज़, हाँ, PYQs जो आपको करने हैं वो 2 तो करने हैं, लेकिन 10 के ही PYQs करने हैं, पुराने लेके नहीं बैठने. केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको सारे करने हैं जितने भी आपकी बुक में दिए हैं,
लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ 10 साल के करो, क्योंकि उसके पहले का ट्रेंड थोड़ा सा अलग था। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपको जितने इनऑर्गेनिक के जितनी भी ट्रेंड्स हैं, लाइक डी एंड एफ ब्लॉग, पी ब्लॉग, जितने भी है सारे में भी कुछ चैप्टर्स इनमें से आए आपके हाफ ईयरली में हो, मेरे को सिलेबस नहीं पता है, बट स्टिल जो हमारे टाइम पे था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो उनमें आपको ट्रेंड्स जितने भी हैं वो याद कर लेने हैं एज इट इज़। नंबर नहीं याद करना है उसको, आपको ट्रेंड, बस आपको ट्रेंड से एकदम थॉरो होने चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। नेक्स्ट थिंग इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें पता ही है, बायोलॉजी में हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है, जस्ट एनसीईआरटी, आर एंड आर इज रीड एंड रिवाइज। और ये जो रीडिंग होनी चाहिए वो हमेशा एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो, समझो चैप्टर को अच्छे से समझो, आप गरिमा मैम के लेक्चर्स लगा लो, कहीं से भी पढ़ो, आप अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, या फिर मैं जो नोट्स शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर आप वो भी पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है दैट इज़ रिवाइज। रिवाइज करने के टाइम पर आपको एक्टिव फॉर्म में रिवाइज करना है, एंड दैट मीन्स कि आपको हर एक चीज़ लिख के देखनी है कि क्या मुझे वो चीज़ उस पेज की याद थी, और अगर नहीं थी तो उसे सेपरेट एक कॉपी में लिख लो उस पॉइंट को जो नहीं याद था, और उसे रिवाइज करते जाओ, उससे आपकी एनसीईआरटी बहुत ही थॉरली आपको रिवाइज हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर्म शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स। अभी से शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स बना लो, जो जो चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, ताकि आपको नीट में जब फाइनल एग्ज़ाम का दिन आ जाए, दिन नहीं मंथ आ जाए, तो आपको बहुत ही इजीली रिवाइज हो जाए वो सारी चीज़ें। मतलब आप इन सारे चैप्टर्स को ऐसे पढ़ लो ना कि आपको फिर नीट के लिए अलग से इन चैप्टर्स को ना पढ़ना पड़े, ताकि दोनों जगह की चीज़ें जो है वो कवर हो जाएं। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यू बायो के बहुत ही इजी से होते हैं, ऐसे एक एक बार में सॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपको एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करने ही करने हैं। उसके अलावा अब आते हैं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं चैप्टर वाइज, तो आप एनिमेशंस को देख सकते हो। उसके अलावा आप चैप्टर को रोज़ एक चैप्टर रीड कर लो, बहुत ही इजीली हो जाएगा सब कुछ। बहुत कम चैप्टर्स भी होते हैं, लिमिटेड चैप्टर हैं, और इतने लंबे भी नहीं हैं, लाइक 2 आवर्स अगर आप लेके बैठ रहे हो ना, बहुत ईजीली कर लोगे, बहुत ईजीली एक एक चैप्टर। तो ऐसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, बाकी ग्रामर तो आती नहीं है 11th 12th में। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आपने जो 10th तक पढ़ा है ना वही आपको करना है, कुछ स्पेशली उसके लिए नहीं करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ फिफ्थ सब्जेक्ट। फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करें तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से फिफ्थ सब्जेक्ट लिया था। जो भी आपने लिया है आई एम श्योर वो थोड़ा सा ईजियर साइड पर हो, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट फिफ्थ सब्जेक्ट ईजी होगा तो आप PCB पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे और नीट आपका ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट ही चूज़ किया करो फिफ्थ सब्जेक्ट को, एंड फिफ्थ सब्जेक्ट इजी होगा तो स्कोरिंग भी होगा और आपका परसेंटेज जो होगा 12th का वो भी इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो वो आप अपने स्कूल टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स, यूट्यूब टीचर्स, सबकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। बहुत मिनिमम ड्यूरेशन आप दो उस सब्जेक्ट को, फिर सब्जेक्ट जल्दी हो जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करता है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको लास्ट तक करना है। वही 15 दिन का जो टाइम है ना वो इनफ है फॉर योर एनी एग्ज़ाम। स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम है ना वो 15 दिन में आराम से कर लोगे। शर्त ये है कि आपको नीट को प्रायोरिटाइज़ करना है, और स्टार्टिंग से नीट के हिसाब से पढ़ते जाना है, तो आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा। बस एक डेरिवेशंस हैं फिजिक्स में जो एक अलग चीज़ है, जिसको आपको अलग से टाइम देना होगा। और 15 डेज में 45 मिनट्स अगर आप रोज़ कर रहे हो तो सब आपके हाथ में होगा, आप बहुत आराम से एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम भी कर पाओगे और नीट को भी क्लियर कर लोगे। दैट्स माई श्योरिटी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये जो वीडियो थी वो भी हमारे एक सब्सक्राइबर के कॉमेंट पे ही बनी है, एंड आई थॉट कि हाँ ये टॉपिक लेना चाहिए, सो आई केम अप विद अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। और भी वन मोर डाउट वॉज कमिंग कि जितने भी मैं नोट्स भेज रही हूँ इज़ इट रेलेवेंट, मतलब इतना क्या इनफ है, नीट में इतना ही आएगा? सो आई वुड से येस, इसी के मतलब इतने से ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज मेरी कोचिंग में ये नोट्स कराए गए हैं, एंड आई स्टडीड फ्रॉम अ गुड कोचिंग, आकाश साउदेक से किया है मैंने, तो आई एम श्योर उससे ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एम अपलोडिंग ऑल माई नोट्स। आई एम थिंकिंग कि 12th का जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो आप लोग शेयर कर दो कॉमेंट्स में, ताकि मैं वो उन सारे चैप्टर्स के पहले नोट्स शेयर कर दूँ, और आपके लिए नीट के लिए भी पढ़ना वो थोड़ा ईजी हो जाए। बाकी तो आई एम श्योर आपके पास नोट्स होंगे ही,
इफ यू नीड एनी मोर हेल्प लाइक बिंदास होके पूछो इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल्सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू शेयर माई माइंड मैप्स एंड टेबल, जो मैंने चार्ट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो इन चैप्टर्स के अगर आपको चाहिए तो आप बता दो मुझे कॉमेंट्स में. ऑल्सो डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहीं पर मैं सारे नोट्स अपलोड करूँगी. आज का जो ये प्लान है, ये सारी चीज़ें भी मैं वहीं पर अपलोड कर दूँगी. ऑल्सो आई गिव ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज़. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.